शुरू की है ओपीएस संकल्प यात्रा जो कि साइकिल के ऊपर है। आप देख ही रहे हो भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी के बीच कितना उत्साह कर्मचारियों अधिकारियों और हमारे तमाम कर्मचारी संगठन उसके साथ हमारी खाप पंचायतें पंचायत समितियां ग्राम पंचायतें उसके तो सभी हमारे इस आंदोलन में हमारे साथ हैं। जगह जगह पर हर 100 मीटर पर 200 मीटर पर लगातार कर्मचारियों के अधिकारियों के जत्थे आम जनता के जत्थे हमारे यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और हम सरकार से केवल एकमात्र मांग लेकर निकले हैं कि पुरानी पेंशन नीति को बहाल किया जाए। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती, आपने देखा होगा कि 19 फरवरी को हमने पंचकुला में एक बड़ी रैली की थी जहां सरकार ने तानाशाही नीति अपनाकर लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले हमारे ऊपर चलाने का काम किया। उसके बाद एक कमेटी गठित की, लेकिन वो कमेटी भी एक ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। इसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार की नीयत साफ है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। इसके लेकर कर्मचारियों में रोष है। पेंशन बहाली संघर्ष समिति सरकार से मांग करती है, निवेदन करती है या इसको हमारी चेतावनी समझ ले कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन बहाल करो। अगर नहीं की जाती तो आने वाले चुनाव में हम एक नारा लेकर चल रहे हैं, जो पेंशन बहाल करेगा वो देश पर राज करेगा और एक मुहिम चलाई जाएगी वोट फॉर ओपीएस की। उसके लिए हम जन जागरूकता हमारी से यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश आपके सामने उदाहरण है और ये मैं नहीं कहता, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो ये कहा करते थे कि कर्मचारियों को पेंशन चाहिए तो चुनाव लड़े, उनको सत्ता से बाहर कर हमने ऐसी सरकार बनाने का काम किया जिसने पहली कैबिनेट में हमारी मांग को पूरा कर दिया। और उन्होंने परसों ही पंचकुला में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी है कि हिमाचल में अगर उनकी सत्ता गई है तो पुरानी पेंशन की वजह से गई है, ओपीएस के मुद्दे को लेकर गई है और हरियाणा में भी ओपीएस का मुद्दा हिमाचल वाला काम असर दिखाने का काम किया। इसका समापन 23 तारीख को सभी जिलों से होते हुए 22 के 22 जिलों की यात्रा गुजरेगी, फिर 22 तारीख को हम पंचकुला पहुंचेंगे और 23 तारीख को चंडीगढ़ में महामहिम राज्यपाल को अपना ज्ञापन सौंपेंगे। देखिए मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, अगर मांग नहीं मांगी जाती आंदोलन हमारा ऐसी जारी रहेगा और ये बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। आप देख रहे होंगे तमाम विभाग कर्मचारी अधिकारी हमारी बहनें सब इस आंदोलन का हिस्सा है और मैंने बता दिया कि आंदोलन के साथ साथ हम जन जागरूकता लेकर आ रहे हैं। पुरानी पेंशन नेताओं को 3-3, 4-4 पेंशन, लेकिन कर्मचारियों को 30 से 35 साल की सेवा के बाद एनपीएस का झुंझुना दे दिया जो कि हमारा आर्थिक और सामाजिक शोषण दोनों तरह का कर रहा है। इसके खिलाफ हम सरकार के खिलाफ बिल्कुल इस बार खुले तौर पर बिगुल बजाने का काम करेंगे और सरकार को वोट की ताकत से सत्ता से बाहर करने का काम। हमारे हरियाणा के अंदर रेगुलर कर्मचारी 3 लाख हैं जिनमें से 1,75,000 एनपीएस का कर्मचारी है और उसके साथ जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं उनका भी ये मुद्दा है, कल उनको पक्का होना है तो वो भी एनपीएस में आएंगे। हमारे युवा जो आज कॉलेजों में पढ़ रहे हैं सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनका भी ये मुद्दा है। आम जनमानस का मुद्दा है जो पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाकर चाहता है ये सरकारी सेवा में उनके बच्चे जाए। राजस्व क्यू एमपीएच एसोसिएशन हरियाणा, जैसा कि पीपीएसएस संगठन बहुत ही 3 तारीख से हमारे 2 जून से जो चलाया हुआ है और जो 23 तारीख को खत्म करा, एमपीएच एसोसिएशन की ओर से हम तय दिल से इसका स्वागत करते हैं और इसके साथ हैं और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी महोदय से प्रार्थना करते हैं, अनुरोध करते हैं जल्दी से जल्दी ओपीएस की बहाली की जाए ताकि सभी कर्मचारी अपना आराम से ड्यूटी दें, संघर्ष करने की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो अगर ऐसे रहेगा तो हम और कोशिश करके जन आंदोलन में जनता भी जाएंगे और कर्मचारी वर्ग आंदोलन करता रहेगा जब तक ऑफिस नहीं होगी। तो आगे आने वाले 24 का जो चुनाव है उसमें मुख्यमंत्री जी कुर्सी पर कोई और पाओगा, ये हम मुख्यमंत्री से स्पष्ट करते हैं।